हेलो डियर स्टूडेंट्स, आखिरी 13-14 दिन बचे हैं आपके फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना था, इसलिए आज थोड़ा बाहर हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि मैं अभी ड्राइविंग पे हूँ, हाईवे पे हूँ, लेकिन गाड़ी साइड में रोक के मैं आपसे थोड़ा सा कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। कई बार स्टूडेंट्स आते हैं कि सर पेपर तो बहुत अच्छा रहा और अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, जबकि हम क्लास में भी रिवीजन टेस्ट पेपर लेते हैं या मॉक टेस्ट की तरह हम पेपर लेते हैं क्लासेस में, उस वक्त भी अगर हम आपके पेपर चेक करें तो बच्चों का कहना होता है कि हमें 70 या 80 मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन जब हम एक्चुअली पेपर चेक करते तब समझ में आता है कि 40-50 के आसपास या 55 के आसपास पेपर्स आते हैं। तो जब ये सब पेपर्स एनालिस किए तब समझ में आता है कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आप बच्चे करते हो, कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो आपके सामने मैं आज रखूंगा, वो अगर आप ठीक से ध्यान रखो और वो अगर गलतियां फाइनल एग्जाम में इंस्टीट्यूट के पेपर में अगर अवॉइड करो तो मेरे हिसाब से अच्छे खासे मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। जैसे कि आप सबसे पहली गलती कुछ बच्चे करते हैं कि ब्लू पेन से पेपर सॉल्व करते हो। बच्चों ठीक से याद रखो कि हमें ब्लैक पेन अलाउड है तो हमें ब्लैक पेन ही यूज करना है। सेकेंड थिंग, अकाउंट का पेपर है और अगर आप ठीक से फॉर्मेट नहीं ड्रॉ कर रहे हो, पेंसिल का यूज नहीं कर रहे हो या स्केल का यूज नहीं कर रहे हो और हाथों से अकाउंट्स के लाइन वगैरह ड्रॉ कर रहे हो तो ठीक से नहीं होते, प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है, तो यहाँ पे भी आपके कुछ मार्क्स कट हो जाते हैं। ओवर राइटिंग, हमने आपको क्लास में भी कई बार बताया होता है कि ओवर राइटिंग नहीं करना है, कुछ अगर अमाउंट या कुछ हेडिंग गलत हो जाए तो उसको कट कर दो और साइड में फिर से लिख दो या नीचे वाले लाइन में फिर से लिख दो, ये बहुत जरूरी होता है, इसलिए ओवर राइटिंग भी आपको अलाउड नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वर्किंग नोट ज्यादा जरूरी होते हैं, कंपलसरी होते हैं, वो वर्किंग नोट्स कुछ बच्चे करते नहीं है, वर्किंग नोट अब्सेंट होती है तो वो भी आपको लिखना जरूरी है, तो इसलिए आप वर्किंग नोट्स की तरफ भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो ट्रू और फॉल्स आते हैं, ट्रू और फॉल्स विथ रीजन आते हैं आपको, तो रीजनिंग देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पूरे मार्क्स मिलेंगे नहीं, सिर्फ ट्रू या फॉल्स का आधा आधा मार्क्स आपको मिलेगा। उसके बाद अकाउंट ड्रॉ करने के बाद ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखना जरूरी होता है, ये छोटी छोटी बातें 11 से आपको पढ़ाया होता है, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, तो वो आपने ठीक से देखना है। उसके बाद जो थ्योरी क्वेश्चन है वो पूरा तो आप लिखोगे ठीक है, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसको आपने अंडरलाइन भी करना है, क्योंकि वो टीचर जो आ रहा है, एक टीचर जो पेपर चेक कर रहा है, उसके पास आपका अकेले का पेपर तो है नहीं, सैकड़ों हजारों पेपर उनके पास होंगे, तो उतना टाइम वो दे नहीं पाएंगे कि पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, या फिर उनका कष्ट अगर हम कम करेंगे तो उसका फायदा हमें हो जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, जो अंडरलाइन जो मेन पॉइंट होंगे उनको अंडरलाइन करना है आपको। ये कुछ बातें अगर आप ठीक से याद रखो तो आपके हर क्वेश्चन में एक एक दो दो मार्क्स शायद से सब मिला के 10 से 12 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। ओके, अभी तो मैं हाईवे पे हूँ, गाड़ियां आ रही जा रही है, ओके फाइन, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी है, आपको भी शायद आवाज आ रही होगी, तो वो भी आपने देखना है, छोटी छोटी बातों की तरफ आपने ध्यान रखना है। आखिरी 13-14 दिनों में हमने क्या करना है सर, तो आपने इंस्टीट्यूट के पिछले पेपर जो हमने आपको दिए हुए हैं, इंस्टीट्यूट के ही है, डाउनलोड करके आपको दिए है, वो करना है, वो ठीक से देखना है, मॉक टेस्ट है, आरटीपी दोनों देखने हैं, इंस्टीट्यूट के जो नोट्स है वो भी एक बार आपने रिवाइज करना जरूरी है, उसके जो थ्योरी पार्ट है वो ठीक से पढ़ लेना है, देख लेना है। अगर ये बातें अगर आप करते हो अकाउंट्स के लिए तो बट ऑफकोर्स आपके कुछ मार्क्स बढ़ने में आसानी होगी और कुछ मदद मिल जाएगी, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट टू इंक्रीज योर मार्क्स विदाउट मी टेकिंग मच एफर्ट्स, कुछ एक्स्ट्रा करते हुए भी आपके मार्क्स आपको मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे और यू विल गेट थ्रू द सब्जेक्ट वेरी इजीली। सो अगले सब्जेक्ट के लिए भी जल्दी वीडियो शूट करता हूँ, तो अभी थोड़ा कुछ काम है, निकलता हूँ मैं, ड्राइविंग करनी है, तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।